कलकत्ता विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पूरे विश्व को नालंदा ही भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। ये बदलते दौर का भारत है और ऐसे में नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर इसके इतिहास पर भी, इसकी गौरव गाथा की बात करते हुए आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। और इस संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते और बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर दोहरी मार जनता को पड़ रही है। इतनी भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी के बीच लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। ऐसे लोगों को दिल्ली से हटाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पानी मिल सके। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन क्योंकि जनता परेशान है, पानी नहीं मिल रहा, पानी की किल्लत है और इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। जल बोर्ड के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें अब से कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और जल बोर्ड के बाहर, दिल्ली जल बोर्ड के बाहर लोग जुटे हुए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि बूंद बूंद को जनता मोहताज है, पानी नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे हैं लोग। हाथों में आपको पोस्टर्स नजर आ रहे हैं जिसमें जल बोर्ड को लेकर के आप देख सकते हैं कितनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी लगातार निशाना साधते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में जल बोर्ड के बाहर, लगातार जल संकट जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आम जनता से लेकर आमो खास तक हम कह सकते हैं कि पानी नहीं मिल रहा। अमीर लोग तो पानी खरीद लेते हैं लेकिन गरीब कहां से अपनी समस्या का समाधान करे। लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 एमजीडी का है, तो हरियाणा को दिल्ली को अगर 100 एमजीडी पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया है, दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एनजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। देखिए, अनशन पर बैठने से शरीर को बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस समय दिल्ली वालों का कष्ट इतना ज्यादा है कि मेरे शरीर को जो कष्ट होगा। और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल है। कोमल, यहाँ पे आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है लोगों को ये बताने की कि कैसे समस्या को दूर करने की वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप तो ग्राउंड पर मौजूद है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आज बातें कही जा रही है इस पर काम होता तो ये स्थिति नहीं बनती?